नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों आज हम आपके लिए जो भी साथी रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे NTPC लेवल 1 ग्रुप डी SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 19 लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस टेस्ट के अंदर हमने जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन रखे हैं, जो कि आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों अगर आप अपने एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और अपने एग्ज़ाम की आप यहां पर अच्छे से तैयारी कर सकें। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से वीडियो जो है काफ़ी बच्चों तक पहुँचती है। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर वीडियो को बंद ना करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, क्योंकि आंसर देने से आपके यहाँ पर अच्छे से तैयारी हो सकती है। तो आप कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और हो सके तो पहले आंसर देने की कोशिश करेंगे सभी साथी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे संबंधित है बताइएगा, किससे है, झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित होता है डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, सिल्वर नहीं होता बताइएगा। चलिए देखते हैं, जर्मन सिल्वर यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जर्मन सिल्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइएगा। एंथोलॉजी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एंथोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन, सभी आंसर देंगे। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है बताइएगा, ऐसा कौन सा तत्व है जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है बताइएगा। एल्यूमिनियम यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम जो है जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, और तांबा, जस्ता और निकेल तीनों ही जर्मन सिल्वर के अंदर होते हैं, एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है बताइएगा। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, चलिए देखते हैं, कार्यकी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है बताइएगा, किसकी जी, सिल्वर ब्रोमाइड यहाँ पर सही हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड की परत जो है फोटोग्राफी की प्लेट पर चढ़ाई जाती है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में बताइएगा, किसका होता है, चलिए देखते हैं, बीजों का यहाँ पर सही हो जाएगा, बीजों का अध्ययन होता है स्पर्मोलॉजी में, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा धातुओं का राजा क्या है बताइएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, धातुओं का राजा क्या है, चलिए देखते हैं, सोना यहाँ पर सही हो जाएगा, गोल्ड, गोल्ड है जो कि धातुओं का राजा कहलाता है सोना, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, सभी आंसर देंगे, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु है, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है, चलिए देखते हैं, पारा यहाँ पर सही हो जाएगा, पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, पारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा देखिएगा किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है, कैसा होता है बताइएगा। चलिए देखते हैं, मरकरी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी मरकरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा, पारा यहाँ पर से हो जाएगा, पारा का प्रयोग जो है थर्मामीटर के अंदर किया जाता है, जस्ता और लेड और टिन तीनों का
प्रयोग नहीं किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है। चलिए देखते हैं, मरकरी सल्फाइड यहाँ पर सही हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? मरकरी सल्फाइड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? बताइएगा कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में क्या लाया जाता है? चलिए देखते हैं, लेड टेट्रा इथाइल यहाँ पर सही हो जाएगा। लेड टेट्रा इथाइल ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा टेट्रा इथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? बताइएगा जी क्या है? चलिए देखते हैं, अपष्ट फोर रो दी होगी, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करते हैं? बताइएगा ऐसा क्या है जो बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता? चलिए देखते हैं, शीशा यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? बताइएगा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? चलिए देखते हैं, लेड यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। लेड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? लेड ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, सभी से रिक्वेस्ट लाइक जरूर कीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? बताइएगा जी कितना होता है? चलिए देखते हैं, जीरो यहाँ पर से हो जाएगा। लेड पेंसिल के अंदर लेड का प्रतिशत जो है जीरो होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 0%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा निम्नलिखित में से क्या जल में घुलनशील नहीं है? क्या नहीं है? चलिए देखते हैं, लेड सल्फेट जो है जल के अंदर घुलनशील नहीं होता है, और जिंक सल्फेट, पोटेशियम और सोडियम तीनों ही जल में घुलनशील होते हैं, और लेड सल्फेट जो की है जल में घुलनशील नहीं होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? चलिए देखते हैं जी कौन सा, थोरियम यहाँ पर सही हो जाएगा। थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट बालू के अंदर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? कहाँ पर है? बताइएगा थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? चलिए देखते हैं, भारत में है जी दोस्तों, भारत के अंदर थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा केरल में समुद्र तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल के समुद्र तट के रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? चलिए देखते हैं, थोरियम पाया जाता है दोस्तों। केरल के समुद्र तट के रेत में क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा क्रोनोटाइट किसका अयस्क होता है? बताइएगा किसका होता है? जी यूरेनियम का होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, यूरेनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा यूरेनिनाइट का एक अयस्क या खनिज है किसका? बताइएगा राइट आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों? यूरेनियम यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? बताइएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, सभी का आंसर आना चाहिए। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? चलिए देखते हैं, पिच ब्लेंड यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा पिच ब्लेंड संबंधित है, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा जी किससे है? यूरेनियम से संबंधित है पिच ब्लेंड, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा होता है? बताइएगा परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा है? चलिए देखते हैं जी फ्रेंड्स, U-235 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। U-235 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारूद का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा जी किसने किया था?
रोजर बेकन ने किया था दोस्तों बारूद का आविष्कार। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर देंगे। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, चलिए देखिएगा। कुछ नहीं होते दोस्तों, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, कुछ नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइएगा एस्ट्रोलॉजी में किस अध्ययन होता है, किसका अध्ययन होता है बताइएगा, किसका होता है, घास का अध्ययन होता है दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, सभी आंसर देंगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है बताइएगा, किस में संपन्न होता है, चलिए देखिएगा। छोटी आंत में संपन्न होता है दोस्तों, मानव शरीर के अंदर पाचन जो है छोटी आंत के अंदर संपन्न होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये थे आज के हमारे जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन जो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे हों प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक किए बगैर न जाएँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उसके तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने एग्जाम की आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।